भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने नुक्कड़ सभा का किया आयोजन। झरिया विधानसभा क्षेत्र के झरिया बाजार के समीप आयोजित इस नुक्कड़ सभा में दर्जनों महिला कार्यकर्ता सम्मिलित हुई। वहीं रागिनी सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। झरिया से प्रत्याशी रागिनी सिंह ने महिलाओं के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर उनके मनोबल को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया। साथ ही नेत्री ने कहा कि झारखंड के विकास को देखते हुए महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को चुन रही हैं। जिस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिसमें महिलाओं को जंगल ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने गैस दिया, बालिकाओं के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था की, साथ ही उनकी शादी की भी व्यवस्था के लिए उन्होंने सुकन्या योजना भी चलाई। तमाम चीज़ें जो महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, वह सारी योजनाएं चलाई गई, जिससे आज हमारे झारखंड की महिलाएं संबल बन चुकी हैं। आज उन्हें उत्साहित है, वो सभी पसंद करते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो काम हुआ है, जो हर घर में योजना मिली है, उस तरह से हमारी महिलाएं खुश है और चाह रही हैं। इसी तरह हमारे जिस तरह केंद्र सरकार में राज बना है, उसी तरह राज्य सरकार रघुवर दास की सरकार है। सबरंग समाचार के लिए झरिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट।